आज राजस्थान को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया। आज भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ दो नए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी इस कार्यक्रम में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों नेताओं को शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने राजस्थान को समृद्ध रखने के लिए वहां पर इस कार्यक्रम में शपथ ली। इस कार्यक्रम के बाद अब तमाम भाजपा नेताओं विधायकों के साथ पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया, वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पदभार ग्रहण किया, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा जो एक और डिप्टी सीएम है उन्होंने भी आज पदभार ग्रहण किया। लेकिन इन सब चीजों में क्या खास हुआ? खास ये हुआ कि आज महारानी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया है। जी हां, महारानी वसुंधरा राजे ने राजकुमारी दिया कुमारी को उनके पदभार ग्रहण में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही वसुंधरा राजे ने इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर पर हाथ रखकर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने को लेकर बधाई दी, मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से महारानी का जो सीएम युग राजस्थान में दो बार रहा वो अब खत्म हो चुका है। अब राजकुमारी का युग राजस्थान में उदय की ओर है। महारानी की जगह अब राजकुमारी को मौका मिला है और राजकुमारी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ राजस्थान में आज ले ली है। हालांकि इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कई नेता मौजूद थे, जिसमें राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाल मुकुंद आचार्य, अर्जुन राम मेघवाल, रामचरण बोरा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, ये तमाम नेता वहां थे। लेकिन वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री भजन लाल को बधाई देना, वसुंधरा राजे का दिया कुमारी को बधाई देना, ये एक खास चर्चा का विषय है। लेकिन आज शपथ ग्रहण में और क्या खास हुआ? दरअसल जब मैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचा, मैं वहां कवरेज कर रहा था, देख रहा था पब्लिक का किस प्रकार का जोश जुनून प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए है, ये देखने के लिए है कि उनके नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यहां पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कई चीजें वहां पर देखने मिली उस कार्यक्रम में, उस समारोह में, जिसमें जब पीएम मोदी आए तो साउंड की अव्यवस्था हो गई, वहां पर माइक जिससे अनाउंसमेंट होना था वो बंद हो गया, उसकी थोड़ी सी भगदड़ दिखी गई। और एक चीज और खास चर्चा का विषय रहा, अव्यवस्था की चीज है। जिस तरीके से जनता, अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आई है, देखने आई है पब्लिक, लेकिन जिस तरीके से एक प्रशासन की चीज़ों को लोग अव्यवस्था कर देते हैं, जब प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, उसे पब्लिक तोड़ रही है, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले उसमें गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, 24 घंटे से ज़्यादा समय से पुलिस प्रशासन इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था में लगा है, ऐसे में जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो ये लगता है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, ये समझने की जरूरत है कि अगर आपका पीएम मोदी को देखना जरूरी है, उतना ही जरूरी पुलिस प्रशासन का भी इस व्यवस्था में लगना जरूरी है। इससे पुलिस प्रशासन के प्रति एक गलत छवि लोगों में बनती है कि पुलिस अव्यवस्था करती है। लेकिन कुछ वीडियो जो स्क्रीन में चल रहे हैं उससे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आम जनता व्यवस्थाओं को उसके परखच्चे उड़ा के वहां पर रख देती है। बैरिकेडिंग होने के बावजूद उसके ऊपर से कूद कर जाना, बैरिकेडिंग होने के बावजूद उस पर तोड़ फोड़ करना, पुलिस वालों को धक्के मारना, बदतमीजी करना, इस प्रकार की धमकियां देना कि नई सरकार है, हम तुम्हें देख लेंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।